this white thing. Thin white thing. And this is couscous. This is walnut. This is kaju, cashew nut, and this is jaggery, and the last, this is this khajur. अब इनकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ. ये खजूर मैंने लिया है, इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, और ये खजूर है मेरा 250 ग्राम से ज़्यादा, 300 ग्राम के करीब ये खजूर है मेरा. किशमिश है मेरी 1/2 कप, आलमंड है मेरे 1 कप आलमंड्स, 1 कप गोला, ये कद्दूकस किया गोला है. आप इसकी जगह बाजार में सूखा जो नारियल होता है, नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं. ये हैं आपके पम्पकिन शीट्स, और तिल, सफेद तिल, जैगरी जो कि अर्जुन सब कुछ बता चुका है, और ये है एक 1 कप आपका वॉलनट, 1 कप वॉलनट है. पिस्ता है आपके मेरे, ये है लगभग 50 ग्राम, ये 50 ग्राम्स मेरे पिस्ता है, और ये 2-3 टेबल स्पून खसखस है. तो हम सब इनसे मिलाकर बनाने जा रहे हैं आयरन लोडेड प्रोटीन लोडेड लड्डू, जो कि सभी के लिए बहुत ही हेल्दी है, और किसी भी एज में कोई भी खा सकता है. हम इसके अंदर कोई भी घी यूज़ नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि इतने सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर अपना नेचुरल ही ऑयल है, सब अपने अंदर इन सब के ड्राई फ्रूट्स अपना नेचुरल ऑयल खुद रखते हैं. तो हम इसके अंदर कोई घी यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ना ही कोई चीनी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने लिया है गुड़. ये है हमारा 1 कप गुड़, जी हाँ, चाली चौके सारे बादाम. आप इसके अंदर मखाना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने मखाने की ऑलरेडी एक मखाना रेसिपी जो कि मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसको आप अपने बैक पेन के लिए मैंने बताई थी, आप बैक पेन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं. तो उसके लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का. तो अब हम शुरू करते हैं हमारे आयरन प्रोटीन लोडेड लड्डू. उसके पहले हमें क्या करना है, अपने जितने भी हमारे बादाम, अखरोट और काजू को हम लोग छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेते हैं. पैन में हमने 1/2 कप पानी चढ़ा दिया है, पतीले में भिगोना जो भी, उसके अंदर हम डाल देंगे हमारी खजूर, जो कि हमने पहले से ही इसके बीज निकाल के रखे हुए हैं. खजूर हमारे लड्डू में मिठास का काम करेंगे, और पहले से ही आपको पता है सब कुछ, मैंने खजूर के बारे में जो बताया था कितना लेना है, इसके सारे बेनिफिट्स भी मैंने मेंशन किए हुए हैं. इसके अंदर किशमिश डाल दी है, थोड़ी सी देर तक इसको हम एक बॉईल करेंगे. किशमिश और खजूर को थोड़ी सी देर तक हम लोग पकाएंगे. पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना, ज़्यादा पानी रखेंगे तो बहुत पतला हो जाएगा. 1/2 कप पानी बहुत है. फ्रेंड्स, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, और बनाएं और खाएं खिलाएं, और फिर उसका फ़ायदा भी देखें. क्योंकि मैंने बनाए हैं, तो घर में सभी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सभी को हेल्दी खाना नहीं खाते आजकल के बच्चे, तो सोचा कुछ हेल्दी बनाया जाए. मेरा पैन मैंने कढ़ाई रख दी है, और वो गर्म हो चुकी है. हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे आपके पम्पकिन शीट्स. ओ, हल्का सा उसको रोस्ट करेंगे, बिल्कुल जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है. बस इतना कि आप उसको हल्का सा दबाए तो वो टूट जाए हाथ से. ये देखिए, अभी रेडी हो गया है पम्पकिन शीट. तो हम इसके अंदर मेरे सारे चॉप किए हुए बाकी के ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे. अभी हमने इसके अंदर गोला और खसखस नहीं डाला है. आप इसको धीरे धीरे रोस्ट करेंगे.
हल्के हल्के हाथ से इसको चलाते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जलना जलाना नहीं है, तेज़ फ्लेम पे हमको उनको नहीं पकाना, बहुत हल्की फ्लेम पे हमें इनको चलाते रहना है। लगभग 5 मिनट के अंदर आपकी रेडी हो जाएंगे। देखिए ये तैयार हो गया है, इसके अंदर हम गोला और खसखस डाल देते हैं। तो मैंने गोला और खसखस भी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको भी हल्का सा भूनेंगे। भूनते हुए देखना, एक अलग सी ही खुशबू आपको इनकी दिखाई देगी। ये भून चुके हैं। अब मैंने पैन में 1/2 कप पानी और गुड़ डाल दिया है। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। गुड़ की चाशनी जो हम बनाएंगे वो एक तार की चाशनी बनाएंगे। और धीरे धीरे देखिए हमारा ये गुड़ मेल्ट हो रहा है और ये देखिए रेडी हो गया थोड़ी सी देर में। तो पूरे पूरे छाग इसमें आ गए हैं। हम चेक कर लेते हैं, इसमें एक तार की चाशनी बन चुकी है। जब इसकी एक तार की चाशनी जब हमारी बन जाएगी तो हम इसकी गैस बंद कर देंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने पेस्ट अपना तैयार किया हुआ था खजूर और किशमिश का, उसको हम एक बार मिक्सी में ज़रूर ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन उसको बिल्कुल ऐसा लिक्विडी कंसिस्टेंसी में पेस्ट नहीं बनाना जैसे आप देख रहे हैं। उसको सिर्फ किशमिश को और खजूर आपके सिर्फ हल्के से मैश हो जाए अच्छी तरीके से, बस इतना ही हमको करना है। अब हम ये देखिए इस तरीके से हमको करना है। अच्छी तरीके से इस चाशनी के अंदर हम अपने इस पेस्ट को मिक्स करेंगे। फिर से हम फ्लेम ऑन कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे चाशनी को हम इस खजूर के पेस्ट के अंदर अच्छे से के साथ मिक्स करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। हल्का सा एक देखिए उबाल आ गया है इसके अंदर। हल्के हल्के हाथों से आप इसको दोनों को मिक्स करते रहिए। अच्छे से बॉयल हो चुके हैं ये, अच्छे से इसके अंदर बॉयल आ गया है एक और ये पूरा अच्छे से मिक्स हो चुकी है। हम इसको बंद करने जा रहे हैं। रेडी हो चुका है। अभी देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए हैं। अब थोड़ा सा आप अपने खजूर और गुड़ के पेस्ट को ठंडा होने दीजिए और उसके बाद हमने इस ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिक्स करेंगे धीरे धीरे करके। अच्छे से सारा मिक्सचर आप निकाल लीजिए इसमें से, पैन में से। और अभी थोड़ा सा गर्म है, हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और आप अपने चमचे की सहायता से इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिए। धीरे धीरे हाथों से आप उनको मिक्स कीजिए। अभी ये थोड़ा सा गर्म है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच घी। हम इसके अंदर घी इसलिए डाला है ताकि हम इसके लड्डू को बाइंड कर सकें और घी से थोड़ा सा इसके अंदर शाइनिंग भी आ जाएगी। हमने किसी भी ड्राई फ्रूट को भूनने के लिए कोई घी यूज़ नहीं किया, लेकिन हमने इनको बाइंड करने के लिए थोड़ा सा घी जरूर यूज़ किया है।
भी अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर भी डाल सकते हैं। आप इसको अच्छे से चम्मच से चला के ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर दें। अभी क्योंकि गर्म है तो मैं अभी इसको हैंड से नहीं कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि फाइन करने के लिए रेडी है, बट थोड़ा सा अभी ये गर्म है। थोड़ी सी देर आप इसको छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप इसको लड्डू बनाइएगा। तो हम लड्डू बनाने से पहले इसके अंदर डालेंगे आपके वाइट तिल। आप फिर से इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है आपका सारा मिक्सचर। बहुत ही हेल्दी, आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फाइबर, मिनरल्स, सब कुछ तो है इसमें। अब आप हाथों में हल्का सा घी लगाकर अपने अकॉर्डिंग लड्डू बनाएंगे। आपको जो भी साइज अच्छा लगता है आप उसी साइज के लड्डू बनाएं। लेकिन अभी जैसे यहाँ पर समर सीजन चल रहा है तो ज़्यादा बड़ा लड्डू ना बनाएं, क्योंकि बहुत गर्म है। दिन में एक लड्डू सफिशिएंट है। देखिए कितना सुंदर लड्डू लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग सारे लड्डू बना लें। मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं और मेरे इस पेस्ट के हिसाब से 35 से 40 लड्डू रेडी हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में लड्डू, हरे भरे। देखकर ही मन कर रहा है खाने का। आप लोग भी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरे ये प्रोटीन लोडेड लड्डू कैसे लगे और मैं क्या क्या इसके अंदर और इम्प्रूव कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई परफेक्ट हो। आप भी अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं कि मैं इसके अंदर और क्या ऐड करूँ कि और भी हेल्दी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।